हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं एस्केप, वो भी ग्रैंडपा के साथ, क्योंकि ग्रैनी को अब मुझे हैंडल करना आता नहीं, तो ग्रैंडपा के साथ ही एस्केप करने वाले हैं। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि आज मैं कैसे एस्केप करता हूँ। और उससे पहले, अगर आप ग्रैनी गेम की फ़ैन हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो हम चलिए स्टार्ट करता हूँ मैं एस्केप करने की कोशिश विद ग्रैंडपा। तो अब डे वन आएगा, ये मेरा हो गया डे वन। तो ये डे वन स्टार्ट है हमारा गाइज, और मैं उठ गया हूँ। और सबसे पहले मैं किचन को जाऊँगा, क्योंकि ग्रैंडपा की किचन में आता है, और उससे पहले हमको किचन की छानबीन करनी है पूरी की पूरी। वो आने से पहले हमको करना है सब कुछ, उससे पहले किचन में घुसना है, उससे पहले सब कुछ। देखो आवाज, बिना आवाज़ के किचन में घुस गए, चेक कर रहे हैं क्या क्या है और क्या क्या नहीं। तो वो गाइस स्टन गन इधर ही मिल गई, और अभी ग्रैंडपा आता ही होगा इधर ही। ओ माय गॉड, आया नहीं अभी तक, मतलब अभी उसको देर है किचन में आने के लिए, उसको देर से आएगा। अब जाए, अब शायद तो आया ही हो गया वो। अरे बाप रे, किधर से आएगा फिर? डोर लॉक है इधर गाइस, और कौन सी जगह, इधर इधर देखना पड़ेगा बार बार, वो आता है कभी भी। क्रोबार है उधर गाइस, वो हमको बहुत काम को आएगा। अभी देखो ग्रैंडपा आ चुके हैं इधर हमारे शूट करने के लिए, हम भी रेडी रहेंगे। वो बोले आईसीयू, तब हम मारेंगे। शूट, उसका मुझे सिक्योरिटी की चाहिए। उधर जा, हाँ उसका सिक्योरिटी की उसके गले में होता है, वो हम लेंगे और भागेंगे और सिक्योरिटी रूम खोल देंगे। फिर हमको सिक्योरिटी रूम की झंझट ही नहीं पड़ेगी, अब बच जाएंगे सिक्योरिटी की से। तो मैं मेरी गन उठा लेता हूँ, कभी भी जाग सकता है ग्रैंडपा। दो मिनट के लिए सो गया है सिर्फ। मेरी गन को दबोच के रखा है इसने, नहीं देगा मुझे मारने। तो मेरी एमओ भी इधर है, तो अब मैं जा रहा हूँ गाइस। और अभी इधर चेक करता हूँ क्या है, इधर बहुत कुछ होता है। ग्लास फ्यूज है गाइस, और क्या क्या है, इधर भी ऐसा ही कुछ तो था। इधर क्या है गाइस, गाइस बोट की है, ले लूँ क्या? पहला कुछ तो काम करूँ, कर दूंगा। बोट की उधर रख देता हूँ, और बोट एस्केप कर सकते हैं शायद उससे हम लोग, वो अच्छा आइडिया है। पर अभी फिर से ऊपर किचन में जाना पड़ेगा गन रखने के लिए। और बता दूँ, बोट का रास्ता यहाँ होता है, अगर आपको नहीं पता तो बता देता हूँ। इधर सबके नीचे होता है। घंटी बजी, मतलब वो आ चुका है। अब हमको ध्यान से जाना पड़ेगा ग्रैंडपा, कभी भी जाकर कभी भी कहाँ से भी आ सकता है। ध्यान से, धीरे से, नहीं आया, कभी भी आ सकता है। हमको जाना पड़ेगा सिक्योरिटी रूम। वाओ इधर नहीं है गाइस, किधर है फिर? वाह नहीं है वो इधर भी गाइस। हम शायद शॉटगन लेने के लिए फुल ऑन रेडी है, तो बिना कुछ गिराए और सब कुछ रेडी करके मैं मेरे शॉटगन उठा लिए मैंने। और अब इधर देखता हूँ क्या है इधर, इधर कुछ नहीं है, ग्रैंडपा भी नहीं आया अभी तक। तो ये रास्ता भी खोलना पड़ेगा अभी। देखो गाइस, इधर भी एक रास्ता होता है, वैसे करके खोलना पड़ता है। और मैं खड़ा रहूँगा, इधर जाऊँगा, झुकूँगा और ध्यान से नीचे नीचे जाऊँगा। इधर कुछ ना कुछ तो पड़ा ही रहता है। डोर हैंडल नहीं, फिलहाल तो हम बोट का सामान इकट्ठा करेंगे, क्योंकि वो बहुत स्पेशल है। क्योंकि हमारा पहला पड़ाव तो बोट का हो चुका है, बोट की मिल चुकी है। सबसे अच्छी पैडलॉक की है, और हमको पैडलॉक की ज़्यादातर ऊपर मिलती है, या फिर बोट स्टीयरिंग भी ऊपर मिलता है। तो हमको वो सब चीज़ें लेनी है। यहाँ पे ज़्यादा तो बोट स्टीयरिंग व्हील मिलते हैं। ओ माय गॉड, हैंड व्हील मिल गया।
ऐसा करता हूँ सबके एक एक बना लेता हूँ। ओह माय गॉड, क्या आपने सोचा क्या हम लोगों को क्या क्या मिला है? हमको डोर एस्केप के दो चीज़ें मिल चुकी है, मतलब तीन चीज़ें मिल चुकी है गाइज। हम डोर एस्केप आराम से भी कर सकते हैं, तो जो होगा सो होगा। पहले ग्रैंडपा को मारने के लिए पहले पैडलॉक की तो ले लूँ, विजर ही होती है सिर्फ पैडलॉक की। और इसको खोलने के लिए कटिंग प्लायर चाहिए, और जहाँ पर कटिंग प्लायर होते हैं उसके लिए क्रोबार चाहिए, और क्रोबार किचन में है गाइज। लेने के लिए बहुत रिस्क है गाइज, अभी कहाँ भी आ सकता है ये ग्रैंडपा। पहले तो अभी वो जाएगा, नीचे जाऊँगा मैं पहले, ग्रैंडपा होगा तो उसको शूट करूँगा और आराम से ढूँढने जाऊँगा। नहीं है गाइज इधर ग्रैंडपा, और आ रहा भी नहीं है, हमारे लिए बहुत अच्छा है टाइम गाइज। अभी के लिए मुझे नीचे जाना पड़ेगा, क्रोबार इधर ही है गाइज, और वो भी ऊपर ही होगा शायद, किधर तो छुपा होगा। तो मैं जल्दी से किचन से क्रोबार लेता हूँ और स्टार्ट करता हूँ बॉक्सेस को निकालने के लिए, ट्राई करता हूँ वो आ सकता है कभी भी गाइस। तो अभी यहाँ पे एक बॉक्स होता है, उसको खोलने के लिए क्रोबार चाहिए होता है, और किसी से नहीं खोल सकते। ओ गैसोलीन कैन, मतलब बोट के दो सामान मिल चुके हैं हम लोगों को, स्पार्क प्लग किधर है? स्पार्क प्लग नीचे होता है आई थिंक सो। नहीं नहीं, मुझे इतना रिस्क नहीं लेना है, थोड़ा बहुत चलेगा रिस्क, इतना रिस्क नहीं। पर पता भी नहीं कहाँ से आ रहा है ग्रैंडपा, कहाँ से जा रहा है यार। गाइस मैं तो इधर इतना अड़चन है ना, क्या करूँ पता नहीं। पहले ग्रैंडपा को ठोक देता हूँ हमेशा के लिए, इधर रहता हूँ, मतलब वो कभी भी आएगा तो मुझे पहले दिख जाएगा कहाँ। वो मुझे लगता है नीचे ही होगा, तो मैं नीचे इधर दो मिनट वेट करता हूँ ग्रैंडपा के आने का। उसको शूट मार लो। ओ माय गॉड गाइस, वो नीचे गया था, उसने मुझे मार दिया, दिख नहीं रहा था, सॉरी गाइस, मेरी गलती है। पर हमने सामान तो मिल गया, हमें जितना चाहिए होता है उतना सामान मिल चुका है हमें। अब डे टू की स्टार्ट हो रही है, तो अभी हम स्टार्ट करने वाले। डे टू में उठ गया हूँ मैं, अब मैं आ रहा हूँ तो स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। दरवाज़ा खोलूँगा, जाऊँगा आगे। चलो ध्यान से जाना पड़ेगा इस बार, वो मुझे पता है। ये शॉटगन इधर ही है मेरी, शॉटगन एमओ किधर है मेरा? शॉटगन एमओ उधर लग रहा है, उसने जब मारा तो मेरा एमओ किधर तो गिर गया था, ये देखो इधर गिर गया, उसने देख लिया। गाइस भागना पड़ेगा, पीछे से उसकी आवाज़ आई, आई सी यू, मतलब ऐसा आवाज़ आया। अब उसको पता है मैं किचन से होकर गया हूँ। उठ जाओ क्या? नहीं उठना। अब मुझे एस्केप करने के लिए ऐसा करता हूँ, डोर के सब कुछ सामान लगा देता हूँ, बोट के भी लगा देते हो। हेलीकॉप्टर तो अपने बस का नहीं है, वो बहुत हार्ड है, उसके लिए पिक्चर्स कलेक्ट करने पड़ते हैं और बहुत सारी चीज़ें, गैसोलीन फ्यूल सब वो चाहिए होता है। उठ जाओ क्या? उठता हूँ, अगर उसने देख लिया तो छुप जाता हूँ। वैसे आया तो नहीं है इधर, आ सकता है, उसकी बहुत सारी चीज़ें है इधर। वैसे किचन में मुझे बहुत सारी चीज़ें मिल चुकी है, इधर गैसोलीन कैन नहीं चाहिए मुझे। ओ माय गॉड, मुझे लगता है हम लोगों को डोर हैंडल लेना चाहिए उस साइड जाके। तो मैं इधर जाता हूँ, डोर हैंडल लेता हूँ जल्दी से। इधर गन छोड़नी पड़ेगी गाइस, रिस्क लेके डोर हैंडल लगाना पड़ेगा, क्योंकि जहाँ पर ग्रैंडपा है उधर वो पहरा देता है डोर के इधर। तो मैं जल्दी से खड़ा होता हूँ। वैसे ग्रैंडपा को मैं हैंडल कर सकता हूँ, पर ग्रैनी मेरी बस की नहीं है। अगर आप कुछ आप चाहते हो कि मैं ग्रैनी के साथ एक गेम खेलूँ, तो मैं खेलने के लिए तैयार हूँ गाइस। और ग्रैंडपा नहीं है, रास्ता साफ दिख रहा है, थोड़ी देर रुक जाओ क्या? नहीं लग रहा मुझे वो मार नहीं सकता। इधर डोर हैंडल लगा देता हूँ मैं, लगा जी डोर हैंडल, जल्दी से ऊपर जाना चाहिए मुझे। आई थिंक सो ऊपर नहीं है अभी तक, मुझे लग रहा है नहीं है। तो अब मुझे पीछे जाना चाहिए इधर, और मेरी गन लेनी चाहिए।
स्पेशली तब मैं अभी मुझ फिर से ग्रैंडपा को मारना पड़ेगा। डे टू था अभी ये, आज तो कौन सा भी एक तो एस्केप करना ही है गाइस, इसके लिए कोई गड़बड़ नहीं। अब हमको हैंडविल लेनी है ऊपर से और हैंड और क्रोबार का एक काम तो करना भूल गया मैं गाइस, उसके डोर के लेम्स खोलने ही भूल गया। अब तो वो करना पड़ेगा, उससे पहले डोर का ये कर देता हूँ ये वाला काम भी। ध्यान से, वो नहीं आएगा, इसकी चिंता लेनी मतलब इसकी। ओह माय गॉड, मैंने गिरा दिया लैंप। वो आएगा कभी भी, देखता हूँ आएगा कि नहीं, आएगा कि नहीं। नहीं है, फिर वो नीचे ही होगा। फास्ट फास्ट नीचे जाना चाहिए मुझे, उसको देखने से पहले हमको नीचे जाना चाहिए। ओह माय गॉड, ऐसा लग रहा है वो नीचे ही है, कभी भी आ सकता है हमारे सामने। इधर तक तो सेफ है, मतलब ग्रैंडपा इधर नहीं आया है। जल्दी से फिर लगा देता हूँ हैंड, ग्रैंडपा यहाँ भी आने से पहले। लगा दी विल, घुमा दिया विल को, तो ग्रैंडपा तो नहीं आ रहा ना। ऊपर गया, उस साइड गया ग्रैंडपा देखने के लिए आखिर क्या हुआ, क्योंकि मैंने ऊपर का वो गेट खोल दिया है गाइस इसके लिए। अब देख सकते हो, देखो उधर ही खड़ा है, पॉइंट कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे कुछ है क्या गाइस? नहीं है कुछ। क्रोबार, क्रोबार का है गाइस, उधर छोड़ दिया किचन में, वो नीचे। मतलब ठीक है, रास्ता थोड़ा तो साफ है, पर नीचे फिर से जाना ही है हम लोगों को गाइस, मतलब रिस्क है। पर हमको दो लेंस गिराने हैं, उसके बाद जाना है। उसे देख लिया गाइस, भागो भागो भागो, ऊपर जाओ, वो ज्यादा नहीं भागता। शिट, मैंने क्यों नहीं खोला, नीचे झुकना पड़ेगा अभी, कभी भी आ सकता है वो। नहीं आएगा, भगवान की कृपा नहीं आया, मैं तो मर जाता, क्या होता मेरा, क्योंकि उसको पता है उधर का डोर बंद है और वो इतना दौड़ नहीं सकता, बेचारा बुढ़ा है ना। पर हाथ जोर का मारते हैं, मारने के वक्त बहुत जोर का मारते हैं। धीरे धीरे नीचे जाएंगे देखने के लिए आखिर वो क्या है, किधर है, हमको मारेगा तो नहीं, हमको डोर के पास से गुजर रही। चलो चलो, ध्यान से देखना होगा आखिर वो कहाँ है। मैंने कुछ गिराया, पेंटिंग गिरा दी, कहा है, नहीं है। जल्दी से इधर से दो हटा देता हूँ, जल्दी से ऊपर चला जाता हूँ। ओ माय गॉड, ऊपर चला गया आई थिंक सो, इधर तो नहीं है। अब रिस्क लेना है गाइस, किचन में जाना है, वो कहाँ भी होगा, हमको सिर्फ देखना है। वेट करता हूँ, देखो तो इधर वेट करता हूँ, भी आ सकता है वो, ऊपर से आया तो वही पैतरा इस्तेमाल कर देंगे। अब सिर्फ क्या करना है, शॉक निकालना है हम लोगों को, उस डोर से शॉक निकालना है। वो आ रहा है नीचे गाइस, हमको दिख गया उसको, हमने वो हमको देख चुका है, तो हम यूटर्न लेके उसको ऐसे दिखा के हम उस साइड जा रहे हैं ऐसे। उसने दिख लिया गाइस, इधर से भी भागना पड़ेगा, भागना जरूरी है। वो बुढ़ा भागता तो नहीं है, पर भागना पड़ेगा, ये तो पड़ा है ना, तो ऊपर तो जाना था, ऊपर तो चले गए और इस बेड के नीचे छुप गए। हो गाइस, शॉक सर्किट तो आवाज़ तो आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा, मतलब हम डोर के नीचे ही है और हमें कटिंग प्लायर्स चाहिए उस शॉक को निकालने के लिए। और शॉक को निकालने के लिए जो कटिंग प्लायर्स है, पता नहीं गाइस कहाँ छुपे हैं। फिर से ऊपर जाता हूँ, किचन में कोई है तो नहीं है, देखता हूँ जल्दी से, और फिर शॉट गन एमो उठा लेता हूँ, स्टन गन। स्टन, ओ माय गॉड, उसने देख लिया, वो मार डालेगा। शिट गाइस,
हमको सिर्फ अभी दो चीज़ें करनी है, पैडलॉक की और शॉक सर्किट, ये दो चीज़ें बाकी है डोर एस्केप के लिए। ये एड बिना दिखाते दिखा के बोर कर देते। तो आपने सुना ना गाइज हमको क्या करना है, हमको डोर एस्केप के लिए सिर्फ दो ही चीज़ें चाहिए, एक तो कटिंग प्लायर्स और पैडलॉक की, जो इम्पॉसिबल है मिलना, वो भी डे 3 में, तब भी हम ढूंढेंगे। अब शायद स्टन गन एमो किचन में होगा और हम पहले एंट्री किचन में मारेंगे और वो आएगा लिविंग रूम से, और लिविंग रूम से आना मतलब हमारे लिए चेतावनी, हमको जल्दी जल्दी ऊपर जाना पड़ेगा इसके लिए। डे 3 में वो हमेशा किचन से आता नहीं, किचन से। इधर है मेरा स्टन गन एमो, इधर ही था ना गाइस, किधर गया शॉट गन एमो, किधर गया मेरा? अरे हाँ गाइस मैं भूल गया, मैंने उधर छोड़ दिया था ना नीचे, वो सामान लेना था हमको इसके लिए। नहीं गाइस किधर गया मेरा स्टन गन, स्टन गन किधर है? ग्रैंडपा ने चुरा तो नहीं लिया ना, लगता है सिक्योरिटी रूम के अंदर छोड़ दिया ग्रैंडपा ने मेरा। खोल के देखना पड़ेगा किधर गया गाइस, ऊपर जाके देखता हूँ मैं, ऊपर कुछ सामान मिला होगा और उसके लिए हमने छोड़ दिया होगा उधर ही। ओ हाँ गाइस इधर हैंडविल मिल गई थी ना उधर ही, तो हमको चेक करना था ना, तो इधर चेक करना भूल ही गए हम थोड़ा सा, नहीं मिला कुछ भी। शिट या गाइस कटिंग प्लायर्स के बिना काम नहीं हो सकता, अब 3 पिक्चर्स कलेक्ट करने होंगे, क्या करे गाइस। पैडलॉक की किधर होगी? मुझे लगता है कटिंग प्लायर्स नहीं मिल रहे क्योंकि पैडलॉक की उसके अंदर है, इसके लिए बहुत हार्ड जगह पे छुपाया है कटिंग प्लायर्स को, देखना पड़ेगा कहाँ गया ये ग्रैंडपा। ओ इधर ही आ रहा है, इधर ही, ओ नहीं उसको मारना पड़ेगा मुझे मारना है उसको, पूरा घर की तलाश लेनी है मुझे इसके लिए। मारा मैंने उसको, ले लिया। अरे यार एमओ भी नहीं है, जिन स्टन गन की एमओ ले ली मैंने, अब पूरा घर छान मारेंगे। दीन दीन इधर तो किचन में देख लिया हम लोगों ने, ऊपर तो ढूंढ लूँ, डन 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 डन, जितना जल्दी हो सकते उतना। इधर चेक हो चुका है गाइस, इधर भी चेक हो चुका है, इस वो उस जगह पे भी चेक कर लिया हमने, इधर भी चेक, इधर कुछ चेक नहीं किया था, देखना पड़ेगा कहाँ छुपा है उसने कटिंग प्लायर्स। उतना ही टाइम है हमारे पास कटिंग प्लायर्स ढूंढने का, ओ वेपन की, इसकी वजह से वो 2 मिनट 30 सेकंड के लिए ये हो जाता है बेहोश। वेपन लूंगा पहले, यार आपको पता है क्या इधर खुफिया रास्ता भी है, दिखाओ क्या ये है खुफिया रास्ता जो किसी को नहीं पता, और कभी कभी इधर सामान भी रखा होता है। और उठाओ गन, उठाओ गोलियां डिचा, और उठाओ गोलियां डिचा, और मारेंगे अब ग्रैंडपा आ गया सामने तो सीधा। 2 मिनट इधर नहीं चेक किया, इधर बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती है, कटिंग प्लायर्स भी इधर ही होंगे शायद, नहीं मिले, नहीं यार कटिंग प्लायर्स व्रेंच लगेगा उसको, सामान कुछ तो होते हैं उधर लेना पड़ता है, क्या करूँ गाइस। नीचे होगा क्या वो, इधर चेक किया क्या हम लोगों ने? ओ नहीं है गाइस, शायद इस दरवाजे पे के इधर होगा, इधर सेफ्टी चाहिए होती है, इधर भी 2 एमओज रखे हुए हैं सेफ्टी के लिए, इधर भी कुछ सामान नहीं मिल रहा, इधर मिल सकता है, नहीं मिला गाइस। आखिरकार ग्रैंडपा ने सामान रखे कहाँ है? कटिंग प्लायर्स तो नहीं मिल रहे, मतलब उसने कोई तो स्पेशल जगह छुपाई होगी। हेलीकॉप्टर मैनुअल मिल गया, कटिंग प्लायर्स ही नहीं मिल रहे, कैसे हो सकता है गाइस? क्लॉक में भी नहीं छुपाया, किधर नहीं छुपाया, आधे से ज़्यादा रास्ते जो हमने ढूंढ लिए अभी तक नहीं दिख रहा है वो किधर गया। ओ व्रेंच इधर है, अभी क्या करे उस व्रेंच का, काम का नहीं है व्रेंच। क्रोबार की हेल्प से मैं वो नीचे वाला दरवाजा नहीं खोल सका था ना,
शायद मारा ग्रैंडपा को। ओ माय गॉड, ग्रैंडपा मेरे सामने आया था, इतने मिनट में मैंने उसको मार गिराया। अच्छा हुआ ये गन अच्छी है, 2 मिनट 20 सेकंड 30 सेकंड के लिए घायल कर देती है इंसान को। मतलब ग्रैंडपा तो छोटी चीज़ है उसके लिए ना, अभी बुढ़ा भी हो गया है, सठिया गया थोड़ा सा। ओ मुझे पता था 13 प्लस इस बॉक्स में ही होगा। अब देखते हैं, एक काम तो हो गया हमारा गाइस, हम अब एक डोर एस्केप कर लेंगे। मतलब डोर एस्केप का एक पार्ट तो हो चुका, अब पैडलॉक की ढूंढनी पड़ेगी पूरे घर में। और ये देखो ये जो फोटो है ना, इसको गिराना है ज़ोर से, और इसके पीछे जो ये है ना ये वायर काटनी होती है उसके लिए। काट दी, ड्रॉप करो और मैं आपको एक जादू दिखाऊंगा। इधर से जो शॉक होता है ना वो गायब हो गया गाइस। ओ माय गॉड, सिर्फ पैडलॉक की चाहिए इस लॉक को खोलने के लिए। और इस सठिए बुढ़िया ने किधर तो छुपाई रखी होगी। तो एमोस फुल करने के लिए मैं इधर से दो एक गोली ले लेता हूँ, फुल हो गई। कहाँ होगी पैडलॉक की? ओ कटिंग प्लेयर्स मिल चुके थे ना, इधर इधर ड्रॉप किया आई थिंक सो। मैंने किधर ड्रॉप किया कटिंग प्लेयर को? कटिंग प्लेयर किधर है गाइस? कहाँ पे ड्रॉप कर दी मैंने? कहाँ पे ड्रॉप की? शिट यार गाइस, कहाँ पे ड्रॉप की मैंने? यहाँ पे ही है, मैं ढूंढ रहा हूँ इधर उधर जल्दी से। वो उठा, उठ जाने से पहले हमको वो काम करना है। नीचे होता है वो एक्चुअली काम, मुझे लग रहा है कहाँ होता है मुझे जो करना था वो। कटिंग प्लायर्स से हमको वो हेलीकॉप्टर की जगह उसे उधर से काम करना है। हेलीकॉप्टर, सिक्योरिटी रूम, सिक्योरिटी रूम, मतलब यहाँ से भी आता है कभी कभी ग्रैंडपा। अब शॉटगन हमारी किचन में ही, मैं अब याद कर लेता हूँ क्योंकि फिर से हम पछतावा ना हो कि हम कहाँ भूल गए। कटिंग प्लायर से शायद इधर से पैडलॉक की मिल सकती है। भगवान प्लीज़ पैडलॉक की देना। ये सठिए बुढ़े ने हमको बहुत परेशान किया है आज, इसका काम तमाम कर ही लेना है। सेफ की मिल गई, मतलब सेफ लॉक खोल सकते हैं। भगवान इतने कीज दे रहे तू, एक की के दरवाजे के अंदर प्लीज़ पैडलॉक की छुपी हो दे। ऐसा लग करता हूँ मैं मरता हूँ ग्रैंडपा के हाथ से, फिर मुझे जहाँ पहुँचना है उधर जल्दी पहुँच जाएंगे हम लोग। नहीं नहीं मरूँगा मैं, day 3 में ही काम हो जाना चाहिए। नहीं है ग्रैंडपा, अच्छी बात है, सेफ। ओ माय गॉड, उसने देख लिया। स्टन गन लेनी पड़ेगी, शॉटगन। मार देगा पूरा किचन की जर्नी काट देगा। दिया गाइस, ये शॉटगन भी हाथ में नहीं आ रही थी, क्या करूँ गाइस। सेफ की अभी ऊपर ही रह गई। ओ माय गॉड, पता नहीं था सेफ की किचन में। अब हम दूसरे रास्ते से नीचे जाएंगे और नीचे जाके सेफ की का दरवाज़ा खोलेंगे। और भगवान प्लीज़ उधर पैडलॉक की होने दो, मैं दुआ करूँगा, नहीं तो इस वीडियो का कुछ काम नहीं रह जाएगा फिर गाइस। प्लीज़ उधर सेफ की इधर ही होने दो। सेफ की तू आ जा इधर, मैं दूसरे रास्ते से तुझे लेके जाता हूँ जहाँ पे ग्रैंडपा नहीं होता पर उधर सोता है ज़रूर है। इधर देखो दरवाज़ा अभी भी खुला हुआ है, क्योंकि ये दरवाज़ा एक बार हमने खोल दिया सो खोल दिया, फिर से बंद नहीं होता। सो रहा है ग्रैंडपा, आप देख सकते हो इधर देखो। मैं चुप जाता हूँ जल्दी से, नहीं तो मार देगा। अभी तो कितनी देर सो रहा है गाइस, कब उठेगा ये बुढ़ा? अभी तक सो रहा है। ओ गाइस, कहाँ से आएगा ये? मैं ऊपर चला जाता हूँ, मार तो देगा वो, कैसे भी करके मार डालेगा अगर वो सो रहा होगा अभी भी। अब मैं नीचे जा रहा हूँ, अभी भी वो सो रहा होगा तो फिर मेरा दिमाग तो सटिया गया इस बुढ़ा, ऐसा बोल दे सकते। वो गया गाइस,
अब ध्यान से पैर रखने पड़ेंगे। कहाँ गिरा मैंने, पेंटिंग गिरा दी गाइस। ध्यान से, आवाज़ नहीं। ध्यान से हम खोलेंगे दरवाजा, जो काम करना है वो ध्यान से कर लेंगे। ओ गाइस, पैडलॉक की मिल गई। अब सिर्फ पैडलॉक की से दरवाजा खोल देना है। अब ध्यान से पैडलॉक की से दरवाजा खोल देंगे और डोर एस्केप हो जाएगा गाइस। वो रेडियो के रेडियो से ऊपर नाच रहा है, आपको गाना मुझे सुनाई दे रहा है अभी भी। तो मैं खोल देता हूँ एंड डोर हैंडल की इधर से डोर एस्केप। गाइस हम सक्सेसफुल हो गए डोर एस्केप के इधर। तो गाइस भाग चुका मैं, और ग्रैंडपा, देखो ग्रैंडपा का चेहरा, मेरे भागने की आवाज़ से वो डर गया। हा 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 हा, क्यों सठिए बुढ़े, दी एंड हो गया ना। तो गाइस इस वीडियो, अगर आप इस वीडियो को पसंद करते हो, मतलब पसंद आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए प्लीज़। अभी के लिए मेरा न्यू कमिंग अगला वीडियो होगा हेलीकॉप्टर एस्केप का। तो उस वीडियो में मैं ये मेंशन करूँगा कि है ना, उसके लिए क्या क्या चीज़ें लगती है। मतलब ऐसा नहीं कि मैं हेलीकॉप्टर एस्केप करूँगा, मैं ऐसे दिखाऊँगा कि उसके लिए कौन कौन सी चीज़ें लगती है। और ये ऐड इतनी बड़ी होती है ना, मेरा दिमाग खाती है, मेरा पूरा दिमाग खा लिया इस ऐड ने। तो बाय बाय गाइस, सायनारा।